वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सेना। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है ये पर्व। इसलिए सत्य विद सुशांत सिन्हा ये जो चैनल है, इसके जरिए ये प्रयास जो मेरा है, इसे और दृढ़ता से करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और इसी प्रक्रिया के तहत आज आपको बताना चाहता हूं कि नोबेल पीस प्राइज नुपुर शर्मा, मोहम्मद जुबैर, इनका जिक्र आज क्यों कर रहा हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ी चुनौती झेलते आए हैं पिछले 8 साल से, आज वो नोबेल पीस प्राइज की चर्चा करते वक्त, नुपुर शर्मा की चर्चा करते वक्त, मोहम्मद जुबैर, वो ऑल्ट न्यूज वाला जिसे मैं फॉल्ट न्यूज कहता हूं, उसके वाला, उसके बारे में चर्चा करते करते क्यों ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी की उस चुनौती का कोई जिक्र नहीं करता जिससे वो सबसे ज्यादा जूझते। सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। अगर आपने ये तस्वीर देखी है और भूले नहीं, ये नुपुर शर्मा जो पिछले कई महीनों से कहां है किसी को नहीं पता, एक अज्ञात वास में जी रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इन्होंने कहा उस पर एक धर्म विशेष को आपत्ति थी, उस पर इस देश के कुछ जजेस ने ऐसी टिप्पणियां कर दी जिससे कि इनकी जान को खतरा और बढ़ गया, और उसके बाद से ये महिला, एक बयान देने के बाद से ये महिला महीनों से कहां छुप कर रह रही है, छुप कर रहना पड़ रहा है, ये किसी को नहीं पता। ये भारत के लोकतंत्र में हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपको पता है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इंडियन फैक्ट चेकर ड्यूओ अमंग कंटेंडर्स फॉर नोबेल पीस प्राइज, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा, ये दो लोग जो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, उनको बताया जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल का शांति पुरस्कार पाने की रेस में वो आगे चल रहे हैं बहुत बड़े कंटेंडर के तौर पर। ये एनडीटीवी का आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं, और नीचे क्या लिखा है, द को फाउंडर्स ऑफ फैक्ट चेक साइट ऑल्ट न्यूज आर अमंग 343 कैंडिडेट्स इन द रनिंग फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022। ये याद रखिएगा लाइन, अभी आपको इस पर याद दिलाऊंगा एनडीटीवी ने क्या लिखा। ये मोहम्मद जुबैर कौन है आपको याद होगा, जो नुपुर शर्मा आज अज्ञातवास में है, उसकी एक बड़ी वजह ये मोहम्मद जुबैर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम्स नाउ पर जो बातें हुई, दूसरे पैनलिस्ट ने जो कहा उससे उत्तेजित होकर नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बात आई गई हुई थी, हो गई थी। इस आदमी ने उसका वीडियो क्लिप डाला और दुनिया को दिखाया कि देखो देखो ये क्या कह रही है, और उसके बाद सारा तमाशा और हंगामा शुरू हुआ, और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हुए। वो है मोहम्मद जुबैर, और उस आदमी के लिए कहा ये जा रहा है, छापा ये जा रहा है कि ये भाई जो हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, उस रेस में ये सबसे आगे चल रहा है। इतना ही नहीं, एनडीटीवी का आपने पढ़ा इन लोगों के बारे में, और वेबसाइट्स ने छापा, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा, ऑल्ट न्यूज, प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर कंटेंडर्स फॉर नोबेल पीस प्राइज, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, ऑल्ट न्यूज फाउंडर्स अमंग फेवरेट्स फॉर नोबेल पीस प्राइज रिपोर्ट, ऑल्ट न्यूज को फाउंडर्स प्रतीक जुबैर अमंग फेवरेट्स टू विन नोबेल फॉर पीस प्राइज। इन लोगों ने फेवरेट भी घोषित कर दिया इन लोगों को, कि इनको शांति पुरस्कार मिल सकता है, नोबेल का शांति पुरस्कार इन दो महानुभावों को। अब मैं जरा इसकी सच्चाई पर आता हूं। सबसे पहली बात, आपको वो लाइन पढ़ने बोली थी ना जो एनडीटीवी ने छापी थी, जो लोग नाम है जिनकी लिस्ट में नाम है उसमें इन दोनों का भी नाम जो है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ नोबेल पीस प्राइज लॉरियट्स, अ नॉमिनेशन फॉर द नोबेल पीस प्राइज मे बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन हु मीट्स द नॉमिनेशन क्राइटेरिया, यानी कोई भी भर सकता है। अ लेटर ऑफ इन्विटेशन टू सबमिट इज नॉट रिक्वायर्ड, द नेम्स ऑफ द नॉमिनीज एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉमिनेशन कैन नॉट बी रिवील्ड Until 50 years later, यानी जो नोबेल शांति पुरस्कार को देने वाली समिति है वो ये बताती ही नहीं कि कौन कौन नॉमिनेशंस में शामिल है।
ये 50 अवार्ड देने के 50 साल तक बाद तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा इनको नोबेल पीस प्राइज का फेवरेट बनाकर आर्टिकल छाप दिए। सोचिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। अभी मैं आता हूं और आगे की बात। इतना ही नहीं, कुछ और फैक्ट चेकर्स, इन सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर्स ने अपना फैक्ट चेक तो किया नहीं, करके इनको ही डालना चाहिए था, दूसरों ने डाला। एक भाई ने डाला कि एनडीटीवी यूजेस अ टाइम्स आर्टिकल रिटन बाय सानिया मंसूर इन विच शी सेज दैट डेटा इज टेकन फ्रॉम रॉयटर्स पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। लेकिन इसी भाई ने आगे ये लिखा कि रॉयटर्स ने कहीं भी मोहम्मद जुबैर और प्रतीक के नाम का मेंशन ही नहीं किया। दूसरी बात, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने के आर्टिकल में जुबैर और प्रतीक का जिक्र मिलता है, लेकिन कहां पर मिलता है आपको यह पता है? उसमें यह लिखा गया है कि इनका जिक्र मिलता है एक जगह पर, इन रिलेशन टू द पीस प्राइज इज द विस लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज सोरोस फंडेड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, उसकी विश लिस्ट में एक जगह इनका नाम है। और आगे ये बताया गया कि इस साल जो PRIO है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, उसका डायरेक्टर है हेनरिक उर्दल, who has been on the post since 2017, named the 5 shortlisted candidates that he thinks would be the best fit to receive the Nobel Prize. Interestingly, even in the list of 5 names, he doesn't first mention Zubair and Sinha. यानी ये जो PRIO का डायरेक्टर है हेनरिक उर्दल, इसने 5 लोगों का नाम दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन यह तय नहीं करता कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिलेगा। इसकी खुद की संस्था कहती है कि यह विश लिस्ट देता है लेकिन तय नहीं करता। अच्छा, इस ये तय न करने वाले आदमी के नाम के आधार पर 5 लोगों के जो इसने नाम दिए, उसमें भी जुबैर और प्रतीक सिन्हा का नाम नहीं है। उसने नाम दिया स्वेतलाना एलेक्सेई नेवल्नी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर्ष मंदर और कारवां मोहब्बत, इल्हाम तोती और HRDAG एंड कैनवस। उसमें भी, मतलब जो विशलिस्ट है पास की, उसमें भी इन लोगों का नाम नहीं है, फिर भी आप सोचिए इनको फेवरेट बताया जा रहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले। जिक्र कहां पर है? जब वो हर्ष मंदर का केस बता रहा है उर्दल, जो उसका डायरेक्टर है, तब वो कहता है कहीं पर सोचकर कि भाई मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा भी वर्दी कैंडिडेट लगते हैं प्राइज, जिस तरह से वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब इनको पसंद भी नहीं बताया। बाकी ये लिस्ट में है या नहीं ये किसी को पता नहीं, लेकिन इनका नाम छाप दिया गया, माहौल बना दिया गया कि जैसे इनको मिलने ही जा रहा है। और आप देखिए NDTV अपने उसी आर्टिकल में नीचे लिख देता है कि ऑल्दो द नोबेल कमिटी डज नॉट अनाउंस द नेम्स ऑफ द नॉमिनी। अभी जब तुम खुद ही लिख रहे हो कि नाम अनाउंस नहीं करता है, तो फिर इसको शुरू, फिर क्यों छापे हो आर्टिकल, किस आधार पर छापे हो आर्टिकल? और जिस टाइम के रिपोर्टर का जिक्र हो रहा है सानिया मंसूर, वो टाइम के रिपोर्टर है, कश्मीरी है और न्यूयॉर्क सिटी में अभी रहती है। तो आपको नाम और पहचान देखकर समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों मैं नरेंद्र मोदी की चुनौती से जोड़ रहा हूं। देखिए बॉस, ये बहुत क्लियर है कि इस पूरे मामले में एक इकोसिस्टम ने काम किया। इन दो लोगों के नाम को, जो कहीं मेंशन नहीं है, एक कोने में कहीं मेंशन है, उसको फेवरेट्स बताकर छाप दिया। यही वो चुनौती है जिससे नरेंद्र मोदी पिछले 2002 से कहिए जूझ रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है जो कैसे खबर को खड़ा करना है, कैसे किसी को महान बता देना है, कैसे किसी की छवि अगर बिगड़ रही हो तो उसको करेक्ट कर देना है, उसके लिए काम करता है, और किसकी छवि जो है वो बिगाड़ देनी है, किस हद तक जाकर उसके लिए काम करता है, उस इकोसिस्टम से नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात दंगों के बाद से जूझ रहे हैं, और पिछले 8 साल में बतौर प्रधानमंत्री जूझ रहे हैं। ये जो लुटियंस मीडिया है, ये जो जिसको खान मार्केट गैंग भी कई लोग कहते हैं, जिस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, न्यूज आर्टिकल्स में, इन सारी जगहों पर आप देखिए कैसे सिस्टम के तहत इन दोनों को बता दिया गया कि मतलब मिल ही रहा है, 1% चांस है, कल को 1% मिल भी जाए, मैं कह रहा हूं, तो नोबेल पीस प्राइज की जो हालत हो चुकी है, जब बराक ओबामा को मिला
उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये क्या इस आदमी को दे दिया जिसकी वजह से दुनिया में इतनी अशांति फैली, उसको दे दिया, क्या रह गया, नोबेल पीस प्राइज की हालत क्या रह गई। ये वो पीस प्राइज है जो महात्मा गांधी को नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि ब्रिटिश राज के लोग नाराज हो जाएंगे, या महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट थे। वो अब ये जो क्या बोलूं, कितने कौड़ी के लोग जो हैं, इनका नाम जो है वो डाल देंगे कि भैया आपको मिलना चाहिए, और मिल भी जाए तो रखो भैया। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है, कोई जगह नहीं, इतनी सी बात उसको इतना बड़ा पहाड़ बनाकर पेश कर दिया। और यही लोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे इस आदमी को डिस्क्रेडिट कर दो और कैसे युवराज को कुर्सी पर लाकर बैठा दो। ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है जिससे नरेंद्र मोदी जूझते हैं। उस आदमी ने एक तरीका यह बना लिया है कि सिर झुकाए रहो और काम करते रहो, इन लोगों से कैसे लड़ोगे उनको समझ में नहीं आता। वो बस इस भरोसे रहते होंगे शायद कि कुछ जो सच्चे पत्रकार हैं, जो हमारी तरह बात करते हैं, फैक्ट रखते हैं, वो शायद जब फैक्ट रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। वरना काम करते रहो, काम पब्लिक को दिखेगा तो वो अपने आप वोट करेगी। वरना ये इकोसिस्टम इतना खतरनाक है बॉस, मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण दे रहा हूं, आप सोचिए कैसे इतनी सी बात को कैसा बना दिया गया। अच्छा, एक भाई ने बोला, ऐसे बात हो रही थी तो उसने मजाक में बोला कि हमारे गली में जो कुत्ते हैं ना, जो सड़क पर चलती गाड़ी रहती है तो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, अब तो वो भी चाहेंगे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अब ऐसे ऐसे लोगों के नाम जा रहे हैं, उनको लगता है कि उनके भौंकने से ही गाड़ी भागती है और वहां एरिया में शांति बन जाती, तो वो भी चाहते हैं कि शांति का पुरस्कार उनको मिल जाए। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता नहीं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, हालात बड़े दुनिया के अजीब हो गए हैं, लेकिन उनसे आप अगर बात हो कभी कुत्तों से तो कह देना कि उनकी क्रेडिबिलिटी अभी इतनी नहीं गिरी है कि इकोसिस्टम को नोबेल पीस प्राइज मिलने की संभावना है जैसा कोई प्रोपेगेंडा करना पड़े। वो लोग ठीक हैं, वो अपने जीवन जी रहे हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी धीरे 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 इतनी गिर गई है कि ऐसा बनाना पड़ता है माहौल, कल को कुछ होगा कि अरे ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो बोलने के लिए कम से कम होगा ना कि भाई ये तुमको पता है नोबेल प्राइज मिलने वाला था, उसमें नॉमिनेट हो गया था, कौन जाकर ऐसा बताएगा मेरी तरह कि क्या स्थिति है क्या नहीं। हो गया, इस दुनिया में लोग लॉजिक पे बात कर रहे हैं। 2014 के बाद लोगों ने यहां से लॉजिक निकाला नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर और उसमें माचिस मार दी। उनको कोई लॉजिक पे बात नहीं करनी, कितनी चीजें मैं लिखता हूं बोलता हूं वो फैक्ट पे बहस नहीं करते कि फैक्ट क्या है, ला उस पर बात कर ले, नहीं ए तुम दलाल हो, ए तुम ये करते हो, ए तुम वो करते, अरे फैक्ट पे बोलो ना यार। लेकिन उनको सिखाया ही गया कि फैक्ट पे बात, में जब पत्रकार नहीं कर रहा फैक्ट पे बात, मसीहा कुमार नहीं कर रहा, इधर उधर झाड़ी के पीछे छिपता है, तो उनके अंधभक्त कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है ये माहौल है, और मुझे लगता है इन खबरों को देखकर आपको समझना चाहिए कि कैसे इस इकोसिस्टम से देश को बचाना है, कैसे इनसे बचकर रहना है, क्योंकि ये लोग इतने तूफान की तरह आते हैं और पूरा इकोसिस्टम कोई खबर को ऐसे तूफान की तरह पुश करता है कि वही सबसे बड़ा सत्य लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए बॉस, ऐसे पूरे इकोसिस्टम से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये बातें दूसरों को भी बताइए ताकि उनको ये इकोसिस्टम का नेटवर्क और काम करने का तरीका समझ में आए। नमस्कार।